नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। झारखंड में बिना ई पास का सफर करना पड़ा महंगा। भवनाथपुर में 12 वाहन जब्त। भवनाथपुर से संवाददाता ओस्ताद अंसारी की रिपोर्ट। गढ़वा भवनाथपुर में झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए 16 से 27 मई तक वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने का फैसला किया है। इस दौरान बगैर ई पास वाले निजी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। वहीं बुधवार को गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना समीप थाना प्रभारी सतीश कुमार महतो ने कार्रवाई करते हुए 12 वाहनों को जब्त किया है। इनमें से अधिकांश वाहन बिना ई पास और ओवरलोड मामले में कार्रवाई की गई है। भवनाथपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी रविंद्र कुमार, थाना प्रभारी सतीश कुमार महतो, आंचल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो भवनाथपुर थाना मोड़ पर वाहन जांच करते थाना प्रभारी जब्त वाहनों में से एक मार्शल, एक कमांडर जीप, 10 मोटरसाइकिल वाहन शामिल है। इनमें ओवरलोड और बिना ई पास मामले अधिक हैं। आपको बता दें कि शहर के अंदर या राज्य के अंदर आने जाने के लिए ई पास अनिवार्य है। बिना ई पास के पकड़े जाने पर पुलिस जुर्माना वसूलेगी या कड़ी कार्रवाई कर सकती है। तैनात पुलिस में SI सहदेव शाह, ASI फिलिप टोपनो अपने दलबल के साथ मौजूद थे।